अकासा पॉपकॉर्न मशीन डेमो। मशीन में टोटल 4 स्विचेस है, मेन केटल हीटर, केटल के अंदर की मोटर, एक लैम्प स्विच है जिससे अंदर एक होल्डर में आप बल्ब लगा के उसे डिस्प्ले के लिए काम में ले सकते हैं, और एक वार्मर है जो पॉपकॉर्न फूटने के बाद जब नीचे गिरता है तो वो पॉपकॉर्न को गर्म रखता है। वार्मर का स्विच है वो आपका फूटने के बाद काम आएगा जब पॉपकॉर्न नीचे शोकेस में गिर जाएंगे। तो टोटल 4 स्विचेस है इसमें। अब स्टार्ट करेंगे, प्लग लगा के स्विच ऑन करना है, उसके बाद मेन केटल हीटर को ऑन करके रेगुलेटर में 80-100 के बीच में सेट कर देना है। 80-100 में सेट करने के बाद 5 मिनट केटल को गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद उसमें पॉपकॉर्न के दाने डालेंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली 100-125 ग्राम दाने हैं इसमें, अभी जो पैकेट से डाल रहे हैं। ये देखिए, ये जो मोटर का काम है ये है, ये उसको गोल गोल घुमाता है ताकि वो चिपके ना नीचे दाने, जो केटल की मोटर है। अभी दाने फूट रहे हैं जैसा कि आप सुन सकते हैं, ये देखिए दाने फूटना चालू, काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आती है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे ही दाने फूटने लगेंगे 2 मिनट बाद आपको केटल बंद कर देना है, नहीं तो दाने ज़्यादा जल जाएंगे ज़्यादा हीट के कारण, और फिर जली हुई बदबू आएगी पॉपकॉर्न में से। तो पूरा फूटने के बाद ये केटल भर जाएगा और पॉपकॉर्न अपने आप बाहर गिरने लगेंगे, और नहीं गिरने पे आप उसको पलटा के पूरे पॉपकॉर्न बाहर गिरा सकते हैं।